चुप रहो। हम लोग का ये वाला टॉपिक क्या है, अगर मानो कोई शेप है, अगर कोई शेप है मानो पहले ये 10 सेंटीमीटर पे था, 10 सेंटीमीटर एक्चुअली मिलीलीटर ज्यादा, चल ठीक है 10 सेंटीमीटर पे था। हम क्या किया, हम इसके अंदर एक बॉल डाले, हम इसके अंदर एक बॉल डाले तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बड़ा, इतना। मानो अब ये 15 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम बढ़ा, 15 माइनस 10 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। अभी तो हाइट बढ़ा ना, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा। तुम्हारा जो बोल रहा था नहीं समझा, इसीलिए तुम्हारा सांस नहीं बना। इतना हाइट पानी का बढ़ गया, बस हमको पहले हमको क्या लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर होगा और वॉल्यूम, बोलो, वॉल्यूम जो राइज हुआ, वॉल्यूम जो राइज हुआ वो क्या होगा, बराबर होगा। यही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। तो अब समझना, मानो इसका रेडियस R1 है, ठीक है, इसका रेडियस R1 है, हाइट भी लिख लो बट इस समय हाइट का जरूरत नहीं है, H1 है, और इसका रेडियस हम बोल दिए R2, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होगा, बोलो, 4/3 πR2 का क्यूब। ये हम समझ गए, यहां तक हम समझ गए, बट हम यही नहीं लिख पा रहे। अरे बेवकूफ, ये हाइट है, ये वॉल्यूम थोड़ी है, ये जो बढ़ा ये क्या है, हम कहते हैं वॉल्यूम लिख दिया, हाइट है वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तुमको निकालना पड़ेगा। अब एकदम ध्यान सुनो, ये एक छोटू सा सिलेंडर ही तो है, ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये छोटू सा सिलेंडर ही है ना, छोटा सा कैन वाला सिलेंडर ही है। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। ये जो रेडियस होगा इसका भी रेडियस क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। इस छोटू सा सिलेंडर का क्या होगा, देखो इस छोटू सा सिलेंडर का मेरे को हाइट पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर, देखो। अरे हम ऐसे ही सम्स कर रहे हैं, हम ऐसे ही सम्स कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। और इस छोटू सा मान लो, हाँ, और इसका रेडियस क्या है, यही है, देख लो ये सब डिस्टेंस क्या है, R1 है। तो बस मेरा सम्स खत्म हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या आया, इसका पाई R1 स्क्वायर, रेडियस R1 और h, तो उसको अभी हम h ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। या तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तुम इसको x बोल दो, ये जो ऊंचाई उठा वो क्या है, x। तो इधर तुम x लिख दो, ये कितना है, x है, ये कितना है, x है, x कितना है, 15 माइनस 10। हाइट कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड लिक्विड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, अगर हम कोई चीज को डालेंगे इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द पानी राइज हो जाएगा, जैसे बल्टी डालते हैं पानी में, पानी से बस खत्म। तो यहां पे क्या आ जाएगा, πR1 स्क्वायर x। एक्स एक्स क्या है, वॉल्यूम रियलाइज्ड, हम इधर लिख दे रहे हैं, एक्स क्या है, बट तेरा वॉल्यूम लिख रहा है, हाइट, हाइट बोलो डिस्प्लेस्ड, या हाइट राइज्ड लिख दो, हाइट राइज्ड, डिस्प्लेस ज्यादा अच्छा वर्ड है, ऐसे भी लिख सकता है, V2 H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ये नया हाइट है H2, ये हाइट कितना था, H1, ठीक है, इसको मिटा दो, H2 माइनस H1, समझ आ गया, इतना सिंपल था। अब तुम डालो आ जाएगा आंसर, तुम बोल रहे ना कि इसका हम कैसे निकाले, आ तो गया, यही रेडियस ऑफ सिलेंडर है, अब करो आ जाएगा। कैसा लगा टॉपिक, अच्छा था ना ये वाला। चलो क्वेश्चन देखो, भेज देंगे, रुक जाओ। बोल रहा है स्पीयर ऑफ डायमीटर 12, एक स्पीयर है जिसका डायमीटर 12 है, रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इस ड्रॉप इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इस वॉल को उठा के इसमें डाल दिए, और बोल रहा है पहले पानी इधर था, डालने के बाद पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है, द वॉटर लेवल राइजेस बाई, बोल रहा है ये जो हाइट है यही मेरे को दे दिया, कितना दे दिया, 3 3 5 9, कितना हो जाएगा, 27 32/9। हम लोगों को डायरेक्ट दे दिया, मतलब हमको इनिशियल पुराना और नया नहीं बताया, हमको डायरेक्ट बोल दिया इतना हाइट बड़ा है,
हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया इतना हाइट बढ़ा है ना, पुराना और नया नहीं दिया, इसको डालने के बाद किसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीख चुके, ये भी एक क्या है, छोटा सा, ये भी छोटा सा क्या है, सिलेंडर है। तो ये जो वॉल्यूम आएगा, ये जो वॉल्यूम आएगा, ये बॉल का वॉल्यूम का क्या होगा, बराबर होगा, उतना ही पानी भरा है। तो बोल दो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3, बोलो पाई 6³, पाई 6³ इज इक्वल टू, बोलो इसका, इस छोटू सा का रेडियस क्या होगा, आर, जो इस सिलेंडर का रेडियस है, जो इस सिलेंडर का रेडियस है वो इस छोटू का भी क्या होगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस क्या है, आर है, सारा डिस्टेंस आर है, तो बस पाई आर स्क्वायर, और इस छोटू का हाइट कितना था, एक्स, पाई आर स्क्वायर एक्स। हाँ, अब सॉल्व कर देते हैं, डाल दे रहे, ठीक है, देखो पाई पाई, इधर एक्स का जगह 32/9 लिख दे रहे हैं, पाई और पाई कटा, और कुछ कट रहा है, एक काम करते हैं सारा चीज को इधर ले आते हैं, 4, 3, 6 × 6 × 6, ठीक है, 32 नीचे भागा, 9 ऊपर, आर स्क्वायर, ठीक है, काटते हैं, 3, 4, 8 जा, ठीक है, इधर 3, 3 जा, समझ आ रहा है, और कटेगा, कटेगा 2, 3 जा, 2, 4 जा, अब रुक जाओ, रुको, देखो इधर क्या बच गया, 3 × 3 बच गया, 6 × 6 बच गया, 2 × 2 बच गया, 4 × 2 × 2, हाँ, तो हम नहीं करेंगे ना आर, और इसका क्या ले लेंगे हम लोग, रूट, रूट ऐसे नहीं लेते, उल्टा लिख दिए, ठीक है, रूट ऐसे लिखते हैं, रूट ले लिया, कितना आ जाएगा, 3 × 6/2, कितना आ गया, 9 ना, रेडियस कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अब अगर तुमको बोल देता वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालो, क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर एच, बोलता तो निकाल देते, बोला नहीं, वैसे हाइट तो बोला ही नहीं है ना सिलेंडर का, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना इजी था, हमेशा लास्ट में काटो, पहले मत काटो, चलो समझ आ गया, छाप लो। हाँ, अभी क्या किया हम लोग, सीधा एक गोला को उठा के डाल दिए, हम लोग एक गोला को उठा के डाल दिए। अब अगर मान हो ऐसा बहुत सारा गोला रहता, ठीक है, ऐसा सब सेम है, एन स्पीयर्स है, कितना स्पीयर्स है, मत करो, एन स्पीयर्स है, क्या होगा, देखना मेरा बात सुन, फिर कर रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर था, हम सारा उठा के इसमें डाल दिए, पहले पानी का लेवल इतना था, डालने के बाद पानी का लेवल इधर हो गया, ठीक है, एक्स हाइट बढ़ गया पानी का लेवल, अब मेरा बात समझना, इस सबको जोड़ के कुछ वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इसको जो डाले टोटल, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, हम क्या बोले, समझा, एक का अगर 10 है तो अगर 5 है तो कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 50, चॉकलेट वाला सम, एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया, 5 चॉकलेट का दाम 50 रुपया, तो एन इंटू ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो इसके अंदर डाले, तो जो इसके अंदर डालेंगे उतना ही हाइट, उतना ही वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उतना ही वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, ये वापस ये छोटू सा सिलेंडर को पकड़ के लाए, छोटू सा सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, ये छोटू सा सिलेंडर का, ये छोटू सा सिलेंडर को पकड़ के लाया, ये छोटू सा सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर, जो इसका रेडियस है सिलेंडर का, तो इसका सिलेंडर क्या है, आर है, और इसका हाइट क्या है, एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो पाई आर स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सम्स में ट्विस्ट कैसे ला सकता, वो तुमसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, ये दे देगा, दूसरा कलर का पेन कहाँ है, आपके पॉकेट में, हाँ, क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट मारेगा, देखो पीछे वाला पॉकेट में आया, हाँ, देखो ये तुमको दे दिया इन्फॉर्मेशन, ये तुमको इन्फो, या तुमको इसका रेडियस बता दिया, तो रेडियस बता दिया, हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे क्या, 4/3 πr³, तो तुम ये निकाल लिया और तुम ये भी निकाल लिया, तो तुमको n निकालने बोल दिया, तो n निकालने बोल दिया, क्या होगा, वॉल्यूम जो भी डिस्प्लेस हुआ है, या वॉल्यूम जो भी राइज हुआ है, वॉल्यूम राइज बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, एक स्पीयर का वॉल्यूम से, और अगर इधर स्पीयर नहीं रहता, इधर कोन डाल देता, तब भी वही होता,
अगर मानो ये हटा दिए और हम यहाँ पे बोल रहे हम छोटा छोटा बहुत सारा कोन डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाता, वॉल्यूम राइज बाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन। इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये मेरा फॉर्मूला है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शेप, ये क्या है, शेप है, कोन भी डाल सकता है, स्पीयर डाल सकता है, क्यूबॉइड डाल सकता है, बट क्यूबॉइड ये सब तो है नहीं, तो स्पीयर डालेगा या तो कोन डालेगा या तो क्या पता छोटा छोटा सिलेंडर ही डाल देता, छोटा छोटा सिलेंडर भी तो उठा के डाल सकता था ना, जो कि सारा सेम है, कुछ भी उठा के डाल देगा। याद रखना एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शेप, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शेप। अब तुम बोलेगा भैया ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीयर और ये डाल देगा, डाल देगा तो तुमको इसका डेटा देना पड़ेगा, जैसे ये यहां तक समझ आ गया। अगर मानो वो ये बोला, समझना, अगर वो बोल देता कि हम एक कोन डाले, एक स्पीयर डाले, एक छोटू सा सिलेंडर डाल दिए इसके अंदर, तो मेरे को इसका रेडियस हाइट पता होना चाहिए, इसका रेडियस हाइट पता होना चाहिए, इसका रेडियस हाइट, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बराबर होगा इसके जो राइज होगा, मतलब अंदर तीनों आके बैठ गया, अंदर तीनों आके बैठ गया, समझा, याद रखना है टोटल वॉल्यूम है। तो वहां पे एन, अब तुमको समझ आ गया एन क्या था, अगर दस बॉल है तो दसों को जोड़ना पड़ेगा ना, वही है। ये कैसे है, जैसे देखो हम बता रहे एक दो तीन चार पांच बॉल था, तो तुम क्या करता, वॉल्यूम वन प्लस वॉल्यूम वन प्लस वॉल्यूम वन, क्योंकि सब तो सेम है, वी 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 है ना, तो वी 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 पांच बार करता ना, तो इतना कौन लिखेगा, डायरेक्ट करो ना फाइव टाइम्स ऑफ वी, तो ये एन ही है ना, ये क्या है एन वी, एन वी, समझा, तो सिंपल है, ऐसे ही होगा, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर सेम चीज है तो एन दे देगा, बट अलग अलग है तो तुमको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, रेडियस हाइट रेडियस हाइट रेडियस, इसका हाइट कहां से आ गया बे, इसका सिर्फ रेडियस। क्वेश्चन बोल रहा है मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, मार्बल्स ऑफ, छोटा छोटा मार्बल है और डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 0.7, या 7/10 ही लिखो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। बोल रहे आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर, मतलब ऐसा बहुत सारा मार्बल है, ऐसा बहुत सारा मार्बल है, हमको पता नहीं, तो हम मान ले रहे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी एन, कितना मार्बल है एन, रुक जाओ, ठीक है, अब ये देखो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, हम इस पे सारा मार्बल उठा के डाल दिए, पहले इतना वॉल्यूम था, इतना हाइट पानी का बढ़ गया, हम बोल दिए एक्स हाइट पानी का बढ़ गया, दिया है, हाँ दिया है, वॉटर लेवल राइजेस बाई 5.6, वॉटर लेवल राइजेस बाई 5.6, तो ये कितना दे दिया 56/10, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग अभी थ्योरी में सीख चुके हैं, हमको समझाने की जरूरत नहीं है, जितना भी हम इसके अंदर डाले हैं, जितना भी हम इसके अंदर डाले हैं वो किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम के बराबर होगा, और ये छोटू सा खुद क्या है, एक छोटू सा खुद क्या है, एक सिलेंडर है, ये छोटू सा क्या है, सिलेंडर है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ दी सिलेंडर है आर, इसका रेडियस भी क्या होगा आर, बस खत्म, तो आर, और इसका हाइट क्या होगा एक्स, ये क्या है एक्स है ना, तो बस सम्स मेरा हो चुका है खत्म। हम क्या बोलते हैं, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ, बोलो वन स्पीयर, मतलब कितना, एक का वॉल्यूम, एक चॉकलेट का दाम इंटू कितना चॉकलेट है, दस इंटू, समझ गया, इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, इसका वॉल्यूम का बराबर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो पाई आर स्क्वायर एक्स, खत्म। अब हमको एन निकालना, हम डाल देंगे, देखो तो एन यहां पे निकाल देते, एन कितना हो जाएगा, बोलो पाई आर स्क्वायर एक्स, और वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर कितना होता है, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ तो सम्स करके आ जाओ, 4/3 बोलो पाई आर क्यूब, और रेडियस कितना है 7/10, ठीक है 7/, अब वैल्यू डाल ही देते हैं ना, वैल्यू डाल ही देते हैं, इक्वल करके कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल करके करे, चलो इक्वल करके कर देते, काटने में इजी पड़ेगा, तो n इंटू इसका बोलो 4/3 पाई r, r कितने 7/10, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे कितना आ रहा है पाई, जो कि कट जाएगा, पाई पाई कट गया, r स्क्वायर कितना बोलो निकालना है, अब निकालना है x दिया है, x कितना है 56/10, एक टेन क्या दिया हो,
रेडियस दिया है तो निकालना क्या है फिर? हाँ रेडियस दिया रहेगा ना, हाँ सॉरी हमको एन निकालना है, हम तो क्वेश्चन ही भूल गए, हमको निकालना ये है तो सब दिया हुआ रहेगा। रेडियस कितना है? 3.5 है, मतलब 35/10 लिख दे रहे, लिख देते हैं 35/10 56/10 ठीक है। ये रेडियस इंटू रेडियस इंटू एक्स, देखो तीनों जीरो और तीनों जीरो कट गया, कितना इजी है देखो। 7 7 7 5 5 5 5 8 नहीं 7 8 56 ये नीचे देखा, नीचे देखा, नीचे देखा, हाँ 4 1 4 2 बस खत्म। n कितना आ रहा है? 25 50 150 n आ रहा है 3 उधर चल गया, देखो 25 into 3 कुछ उधर 2 भी है, यहाँ पे एक 2 भी है तो इधर आ जाएगा, देखो 5 into 5 into 2 into ये 3 उधर भाग जाएगा ना into 3 कितना आ गया 150। इतना इजी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है, छाप लो, समझ आ गया। ये भाई कैलकुलेशन की है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, करते हैं ठीक है। बोल रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ये तुम्हारा एक कोन है, ऐसे कोई बर्तन है कोन शेप का ठीक है, हाँ, और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा बॉल को क्या कर देंगे हम लोग, डाल देंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी एन ठीक है। क्या बोल रहा है? विच इज ओपन, रेडियस 5 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ठीक है। और इस छोटा स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वॉटर अप टू द ब्रिम, then lead salts each of which is a sphere of radius are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. क्या देखो हम बता रहे, क्या बोल रहा है? ये पूरा भरा हुआ था पानी से, ये पूरा क्या था? भरा हुआ था ठीक है। हम ये सारा बॉल को उठा के इसके अंदर डाले, हम ये बॉल को सारा उठा के इसके अंदर डाले तो क्या हुआ? ये बॉल को जब डाले तो बोल रहा है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया? बाहर निकल गया। 1/4 मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, मानो इसका वॉल्यूम 40 है तो 1/4 तो 1/4 इंटू 40 मतलब क्या? 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब जितना पानी बाहर निकला है वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, खत्म। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम रीजन, पर रीजन का तो ज्यादा है नहीं क्योंकि जगह ही नहीं है, तो गिर गया तो वॉल्यूम पोल्ड आउट लिख दो, वॉल्यूम पोल्ड आउट, वॉल्यूम पोल्ड आउट। स्पॉट अलग चीज होता है, स्पॉट मतलब छिट्टा मारना होता है, वॉल्यूम पोल्ड आउट ठीक है, समझ आया? तो वॉल्यूम पोल्ड आउट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम पोल्ड आउट कितना है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना हो जाएगा? देखो हम यहां पे लिख दे रहे हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? पाई, बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया वॉल्यूम ऑफ दी, क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ दी कोन है और इसका 1/4 तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पे क्या हो जाएगा? एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, नहीं क्यूब, देखो यहां से कुछ कट रहा है, हाँ 3 और 3 पाई और पाई कट गया, 4/4 मत कर देना, वो नीचे जा रहा है ठीक है। तो n बेसिकली क्या हो जाएगा? देखो अब वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं ठीक है, वैल्यू लिख दो n इंटू 4, रेडियस कितना है? 5/10 इंटू 5/10 है, इक्वल दो वहां पे कितना है? 1/4 और उसका रेडियस कितना था? 5 into 5 है, देखो कट जाएगा 5 into 5 और हाइट कितना था? 8, 5 5 5 5 कट गया ठीक है, समझ आ गया। ये 4 1 ये 4 2 ये 2 1 ये 2 2 100 ऊपर भाग गया तो n कितना आ गया? 100/2 कितना आ गया? 50, चेक करो कितना आ रहा है? 100, क्या मिस्टेक हुआ है?
रेडियस दिया था कि डायमीटर रेडियस। अच्छा यहाँ तीन होगा ना, तीन बार होगा ना। हाँ यहाँ तीन बार होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक और 5/10 होगा, यहाँ पे एक और 5/10 होगा, मतलब 1/2 एक और होगा, ठीक है। तो देखो ये 1/2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब ये 100 आ जाएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं ये इस तरह कैसे आ जाएगा, 2/2, 2/2, ये 2 पर भाग जाएगा ना। अरे कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, उतना तो आना चाहिए, कितना आ गया 100। कैलकुलेशन में भी आप गलती कर रहे हो तो क्या बोले भाई, 100। तो देखो फिर से सेम कंसेप्ट का सम था, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर इज 2464। बोल रहा है एक स्पीयर है, ठीक है, एक स्पीयर है, उसको मेल्ट करके रीकास्ट कर दिया, क्या कर दिया, मेल्ट। अब याद है मेल्ट होने से क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होगा और वो यहां का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। पिघला के उसको क्या बना दिया, सर्कुलर कोन, उसको देखो बहुत सारा कोन्स में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारा, बहुत सारा। और हम लोगों को पता है कितना कोन्स होगा, एन, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एन, ठीक है। तो एक कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5, हाइट दिया हुआ है 7, ठीक है। और हम लोग को इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 2464, रेडियस निकाल लेंगे, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² जो कि क्या है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से r निकाल लो, बोलो तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2464 डिवाइडेड बाय 4, पाई को लिख देंगे 22, 7 ऊपर भाग जाएगा। अब इसको कटंग उटंग कर लो, 4 नहीं दिया, रेडियस निकाल ले, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस निकाल के तभी ना वॉल्यूम लिखेंगे, 4 6 24, 4 1 4 616, ठीक है, 11 2 11 56 होता है शायद, 11 5 55, हाँ, और इधर कितना गया 2 28 जा, तो r स्क्वायर कितना आ रहा है, 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 into 4, और एक 7 पहले से है, r कितना हो जाएगा, रूट ओवर 7 into 7 into 2 into 2, 4 को 2 into 2 लिख दिए, r आ गया 14, रेडियस कितना आ गया 14, ठीक है। अब हम लोग क्या इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ जो स्पीयर है मेल्ट की है, तो ये पूरा कोन का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा n into volume of one कोन होगा। चलो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3πr³, बोलो n into volume of one कोन, बोलो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यहां लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² h, तो 1/3πr² h, π 3 कट गया, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं, 4 × 14 × 14 × 14 = n इंटू आर कितना है इसका, 35/10, 35/10, बोलो 35/10, 35/10, और कुछ है, हाँ हाइट कितना है 7, कटेगा 7 2 5 5 7 2 7 1, समझ रहे ना, सब नीचे आ जाता है तो हम डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है। और 5 5 2 2, और कुछ करने का है नहीं, सबको इधर थ्रो कर दो, कितना आ जाएगा 4 × 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, तो 4 × ये तो डायरेक्ट 2 का पावर 7 हो गया, 2 का पावर 7, तो 128 ना, n चेक कर दो, n कितना आ रहा है 128, नंबर ऑफ कोन्स कितना आ गया 128, हाँ।